नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। सदर थाना पुलिस ने शनिवार की रात ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में शहर के महुआ चौक निवासी आबिद हुसैन का पुत्र मोहम्मद कासिम रजा उर्फ रिंकू व कठोतिया के इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद इस्लाम का पुत्र मोहम्मद अजमद है। इसकी जानकारी रविवार को सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने सदर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को लगातार सूचना मिल रही थी कि कासिम व अमजद दोनों शहर के विभिन्न इलाकों में ब्राउन शुगर की तस्करी करते हैं। सूचना के आलोक में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने कासिम व अमजद के घर छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने कासिम के घर से 8 ग्राम ब्राउन शुगर व अमजद के घर से 7 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। चतरा को लगातार सूचना मिल रही थी कि ब्राउन शुगर बेचा जा रहा है शहर के विभिन्न क्षेत्रों में। इस सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया। उसमें सदर थाना चतरा के भी पदाधिकारी सम्मिलित थे। टीम ने शत्रुतापूर्वक कार्रवाई करते हुए दो लोगों को महुआ चौक के नजदीक से गिरफ्तार किया। एक का नाम मोहम्मद कासिफ है, एक का नाम मोहम्मद अमजद है। दोनों महुआ चौक के रहने वाले हैं। जब तलाशी ली गई तो इनके पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। इनके पास से कोई वैध कागजात नहीं दिखाया गया है। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अनुमानित मूल्य क्या होगा सर? अनुमानित मूल्य अभी हम लोग कह नहीं सकते, बट बाजार में कहीं 50,000 रुपये के आसपास इसका मूल्य होगा। पहले भी इन लोगों को मामला दर्ज नहीं, पूर्व में इन लोगों का आपराधिक इतिहास नहीं है, बट खंगाला जा रहा है। अन्य थाना से पूछताछ की जा रही है और भेजा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जीसीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।